हेलो माय फ्रेंड्स वेलकम टू बी ए टू केयर सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले द एनएमआईएमएस हैदराबाद आफ्टर क्रैकिंग द एनपैक्ट फॉर द फ्लैगशिप प्रोग्राम द बीबीए यस गाइज विल टॉक इन डिटेल अबाउट दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट एनएमआईएमएस हैदराबाद ही आपको क्यों टारगेट करना चाहिए इफ यू आर लुकिंग फॉर द बी प्रोग्राम देखो इस बीबीए को लेकर देर आर लॉट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम लेकिन कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स है जिनके थ्रू आप टॉप कैंपसेस को इवन टॉप बिजनेस स्कूल्स को टारगेट कर सकते हो सो वन ऑफ द इंस्टीट्यूट इज एन हैदराबाद वो इज कैरिंग लेगेसी ऑफ एम आई एम एस दारसी मोजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज काफी पुराना इंस्टीट्यूट जरूर है हैदराबाद एक न्यूली वन कैंपस है क्यों इसे टारगेट करना चाहिए विल टॉक इन डिटेल विल टॉक अबाउट इट विल टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पेपर पैटर्न क्या होने वाला है किस रिस्पेक्टिव स्कोर पर आपको यहां एडमिशन मिल सकता है सेलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है हाउ मेनी सीट्स आर देयर फी स्ट्रक्चर क्या है एंड इवन द प्लेसमेंट स्टैट्स क्या कहता है विद रिस्पेक्ट टू द बीबीए खासकर सो ऑल दोस कैंडिडेट जो बीबीए का प्रोग्राम परसू करना चाहते हैं देन गाइस यू कैन ऐड वन मोर इंस्टीट्यूट इन योर लिस्ट विच यू कैन टारगेट सो भाई वीडियो को एंड तक तो जरूर देखना और जो भी आपके डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में, में जरूर मेंशन कीजिएगा इफ यू आर न्यू टू द यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब इट क्योंकि यहाँ आपको बीबीए रिलेटेड एंड इवन एमबीए रिलेटेड काफी कुछ कंटेंट मिलने वाला है So, before moving further, new batch starting at ba 2 So, wanna pursue the respective programs such as the BBA from the top institutes, even the BMS from the CUET or even from the Saint Xavier entrance test, BA, BCom, BSW, the Bachelor of Social Work, and even the BSc. Then you can start preparation for the respective entrance exam, just like IPMAT, ZipMAT, CUET, the Common University Entrance Test, and Pat SET General for Symbiosis, and even the Christ, the Christ University Entrance Test. गाइज यू कैन ज्वाइन अवर क्लासरूम लेक्चर्स एट डोम्बेली घाटकोपर एंड दादर इफ यू आर पैन इंडिया स्टूडेंट यू कैन इंट्रैक्ट लाइव विथ अस डोंट फर गेट टू डाउनलोड अवर ऐप वेर यू विल गेट फ्री मॉक एंड फ्री रिसोर्सेस एंड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन यू कैन फॉलो ऑस ऑन यूट्यूब फेसबुक इंस्टा एंड टेलीग्राम सो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं एन एम एम एस हैदराबाद

it is a 90 acre the biggest of nmims family sprawling campus with fully residential world class facilities a residential international school and olympic standard sports complex in 26 acres will be unique feature of this particular campus the first institute in hyderabad to promote comprehensive learning environment that will have the tagline kg to doctorate in one campus so overall by ek bar aapka admission ho hai. doctorate tak aap यहां इतने सारे प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं हैदराबाद फर्स्ट बी स्कूल दिस इज बिकॉज ऑफ ईयर ऑन ईयर एफर्ट्स ऑफ क्रिएटिंग वर्ल्ड क्लास एकेडमिक एनवायरमेंट इन द कैंपस सो एज बेहतरीन कैंपस है जरूर इसे टारगेट कीजिएगा मैं इनकी फैसिलिटीज के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ

आप एज अ ऑनप्रूनर बनना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है फर्स्ट बी स्कूल इन इनडिटेड बाई ए आई सी टी टॉप फाइव बी स्कूल बाई दर डी एन विद द रिन्यूएबल एनर्जी कंजर्वेशन मेथड्स द जड्ला कैंपस क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द सिटीज ऑफ आई टी हर्ब्स लाइक दचिबोली हाईटेक द का कैंपस सो भाई इंटर्नशिप के लिए, like so लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं एंड इवन द प्लेसमेंट स्टार्ट के लिए सो so, आगे बढ़ते हैं कैंपस को लेकर बात करते हैं अमेजिंग फैसिलिटीज है लाइब्रेरी एंड ब्लूमबर्ग टर्मिनल फैकल्टी ब्लॉक आप देख सकते हो क्लास रूम वेल इक्विप्ड क्लास रूम बेहतरीन फैसिलिटीज है यू कैन सी ओ वी एम डीपी सेंटर विद कैपेसिटी ऑफ हंड्रेड कंप्यूटर सेंटर इक्विप्ड विद वन सर्वर टू हैंडल एप्लीकेशन डेटा बेस एंड कम्युनिकेशन वन जीरो टू डेस्कटॉप सिक्सटी थ्री ऑफ द लैब एंड थर्टी नाइन ऑफ द फैकल्टी एंड स्टाफ क्लोज सर्किट टीवी पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम्स रूफटॉप कैफेटेरिया रिक्रिएशन रूम सेमिनार हॉल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने बात की गाइज ट्वेंटी सिक्स एकर्स में फैला हुआ है दी ओलंपिक साइज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज दे सो ओवरऑल बेहतरीन फैसिलिटीज़ यह आपको मिल रही है डेफिनेटली गाइज आपको जरूर इसे टारगेट करना चाहिए देखो गाइज ऑल दोज कैंडिडेट जिनको कैंपस से बड़ा प्यार है कि भाई कैंपस अच्छा होगा मेरी पढ़ाई अच्छी होगी

टारगेट दी एम एसराबाद बिकॉज मैथ इज कंपल्सरी ट्वेंटी फाइव ईय ऑफ एज ओके सो बेहतरीन एक्सपोजर है जस्ट आफ्टर योर ट्वेंटी आप गैप भी ले सकते हो प्रिपरेशन कर सकते हो ट्वेंटी वन में ट्वेंटी टू में ट्राई कीजिए ओवरऑल अगर एवरेज की भी बात करो दिन गाइज ट्वेंटी वन ईयर्स की एवरेज होती है ट्वेंटी या ट्वेंटी वन ईयर्स की सो so भाई आपके पास अच्छा खासा टाइम है पूरा फोकस आप एनपैड के प्रिपरेशन पर कीजिए एंड टारगेट सच इंस्टीट्यूट जो आपको एक अच्छा खासा पैकेज एक अच्छी खासी जर्नी एक अच्छी खासी टैग वैल्यू दे सकता है जिसके थ्रू आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो और मार्केट में एक बेस्ट प्लेस पर काम कर सकते हो ओके okay? सो so आगे हैं इस पेपर पैटर्न को लेकर बात करते हैं एनएमआईएमएस एंड पैट दी एनएमआईएमएस प्रोग्राम आफ्टर ट्वेल्थ एग्जाम जो होता है कंप्लीटली ऑनलाइन होता है मीडियम इसका इंग्लिश नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे वन ट्वेंटी टाइम ड्यूरेशन यहाँ कम है हंड्रेड मिनट एग्जाम जो होता है यूजली जैन टू मे तक होता है सो so विंडो काफी देर तक ओपन होती है आपके पास बेहतरीन एक्सपोजर है मल्टीपल अटैम्प आपको यहाँ मिलता है सो यू कैन चूज द रिस्पेक्टिव अटैम्प ओके फर्स्ट अटेम्प्ट आपने दे दिया स्कोर अच्छा नहीं आया कोई बात नहीं सेकेंड अटेम्प्ट आप दे रहे हो यहाँ अगर आपने मैक्सिमम स्कोर अचीव कर लिया है देन गाइज ये जो स्कोर है आपका ये कंसिडर होने वाला है इवन यू कैन चूज फॉर द रिटेक नंबर सेकेंड ये आपका फर्स्ट रिटेक होगा यह आपका सेकंड रिटेक होगा ये दैट मीनस थर्ड अटेम्प्ट यहां अगर अच्छा स्कोर आ गया दैट विल बी ओके सो सेक्शन की बात करते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग 40 क्वेश्चन मिलेंगे लॉजिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चन वर्बल रीजनिंग 40 क्वेश्चन इक्वल वेटेज अमंग ऑल द सेक्शन आप देख सकते हो टोटल आपको वन ट्वेंटी मिल रहे टाइम इन मिनट्स हंड्रेड टोटल जो मार्क्स है वन अब आउट ऑफ वन आपको क्या स्कोर लाना है यूजुअली मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि भाई 90 प्लस अगर आप स्कोर लाओगे टॉप कैंपस को आप टारगेट कर सकते हो और टॉप कैंपस है एनएमआई मुंबई द आफ्टर नवी मुंबई द आफ्टर टारगेट इवन यू कैन टारगेट द इंदौर वन इवन यू कैन टारगेट हैदराबाद वन सो भाई हैदराबाद के लिए जाना है आपका जो स्कोर होना चाहिए गाइज सेफ स्कोर शुड बी एट्टी ठीक है वन ट्वेंटी में से एटी लाइए सेवेंटी फाइव प्लस अगर आप हो आपको इजिली यहां एडमिशन मिल जाएगा लेट्स टॉक अबाउट द 75 प्लस हो या आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा एंड देर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर सो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो गाइस बेहतरीन इंस्टीट्यूट है जरूर इसे टारगेट कीजिएगा डिफिकल्टी लेवल की बात करें एज पर दैट एग्जाम पैटर्न ओके सो ओवरऑल भाई अगर मैं डिफिकल्टी की बात करूजी टू मोडरेट लेवल का आपका पेपर होने वाला है डोंट वरी एट ऑल यू कैन ईजीली क्रैक इट अगर आप अपीरिंग कैंडिडेट हो देन गाइज यू हैव टू बैलेंस योर प्रिपरेशन आपको ट्वेल्थ बोर्ड पर भी फोकस करना है क्योंकि यहाँ भी आपको एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट तो मार्क्स लाने ही हैं अच्छे मार्क्स होंगे गाइज दैट विल बी ग्रेट ओके एंड दे आफ्टर एंड पैट पे भी आपको अच्छा खासा फोकस करना है सो हाउ यू कैन बैलेंस द प्रिपरेशन भाई आप जो रिस्पेक्टिव स्लॉट चूज कर रहे हो एज पर योर ट्वेल्थ देखो आपका ट्वेल्थ जो है वो फैब मार्च में हो जाएगा उसके बाद भी आपको अटेम्प मिलने वाले हैं सो ट्वेल्थ के पहले एक अटेम्प दे सकते हो जस्ट फॉर ट्रायल एंड दे आफ्टर सेकेंड जो आप चूज कर रहे हो द रिटेक वन वो आप एग्जाम के बाद प्रेफर कीजिएगा अच्छा खासा प्रिपरेशन करके अच्छी खासी मॉक दीजिए द आफ्टर यू कैन अटम्प द नेक्स्ट वन ओके गाइज

इफ यू हैव चूजन ऑल द कैंपसेज देन हर एक कैंपस के मेरिट लिस्ट में आप आने वाले हो और यहाँ जो टॉप करने वाला है गाइस उस रिस्पेक्टिव कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है क्योंकि मेरिट में वो आ चुका है यहाँ कोई आपका जी नहीं होने वाला है देर विल बी नो वैट एंड इवन देर विल बी नो पी आई सो सिलेक्शन प्रोसेस के कोई भी पैरामीटर्स यहाँ इंक्लूड नहीं है लेकिन गाइस जब आप इनके पोर्टल पर लॉग इन करोगे कैंडिडेट्स आर रिक्वायर टू अपडेट द ट्वेल्थ और इक्वलेंट एग्जाम और प्रेडिक्टेड मार्क्स आफ्टर द एडमिशन प्रोसेस

the candidate admission will be cancelled and fees will be refunded as per the prescribed refund rules so jo bhi aapne fees pay ki hai wo wapas mil jayegi aapko admission ho jayega cancel so bilkul mistake nahi karni hai guys pura focus aapko npat par karna hai selection process ke koi parameter nahi hai just focus on npat target always 90 plus out of 120 okay guys अब आगे बात करते hain seats and fee structure को लेकर. so guys nmims hyderabad को लेकर जो course duration है वो update हो चुका है. now it became 4 years या आपको ऑनर्स डिग्री मिलने वाली है दैट मीन्स जो वन ईयर है उसमें आपका रिसर्च डिजटेशन होने वाला है दिस इज एज पर दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू ठीक है ऑफिशियल वेबसाइट पर यह आ चुका है हालांकि यहाँ जो मैंने फी स्ट्रक्चर मेंशन किए गए इस दट इज़ ऑफ थ्री इयर्स एट लैक एंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर इन की फीस है guys, years, 8, 25, की fee से आपकी टू लैख एंड सेवेंटी फाइव थाउजेंड आपको ये ध्यान में रखना है फोर इयर्स की डिग्री होती है एग्जिट पॉलिसी भी आपके पास होगी आपको थ्री ईयर्स की डिग्री करके एग्जिट करना है यू कैन एंड इवन अगर आप ऑनर्स डिग्री भी परसू करना चाहते हो फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट और इवन अगर उनके एक कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं देन यू कैन ओके ओवरऑल गाइस का प्रोग्राम अब बन चुका है स्पेशलाइजेशन मिलने वाला आपको मार्केटिंग एंड फाइनेंस में स्कोप क्या है द करिकुलम इज डिजाइन टू प्रोवाइड इंडस्ट्री यंग मैनेजर्स फॉर एंट्री लेवल पोजिशन फॉर देयर फर्स्ट एक्सपीरियंस इन द कॉरपोरेट रोल और गाइज डोंट फरगेट ये नियर बाय आई टी हब सिचुएटेड है सो so, आपकी जो इंटर्नशिप्स होने वाली है वही आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एक की फैक्टर बन के सामने आने वाली है क्योंकि आपको यहां पीपीओ भी मिल सकते हैं बात करते हैं इनके सीट इन टेक को लेकर वन ट्वेंटी सीट है प्रोग्राम वन ऑफ द की फैक्टर्स दैट डेवलप अमंग स्टूडेंट इज एडेप्टेबिलिटी एंडहेंस द फ्लेक्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एडवांस ट्रेनिंग नॉलेज इज इंपार्टेड बाई यूजिंग अ इनोवेटिव अप्रोच टुवर्ड्स लेक्चर गिविंग ऑन द जॉब एक्सपीरियंस थ्रू इंटर्नशिप्स एंड कंप्लीटमेंट क्लासरूम टीचिंग बाय ऑर्गेनाइजिंग गेस्ट लेक्चर्स प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन रिलेवेंट टू गेनिंग एंड इलेविटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इन रिलेशन टू इट्स प्रैक्टिकल एनवायरमेंट सो ओवरऑल भाई क्लासरूम के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी यहाँ अच्छा खासा मिलने वाला है एंड दैट कॉम्बिनेशन विल प्रोवाइड यू द ग्रेट एक्सपोजर सो ओवरऑल गाइज वर्थ इट है यू शुड टारगेट इट अब बात करते हैं प्लेसमेंट स्टार्ट को लेकर सो ऑलरेडी हमने स्टार्ट देख लिया गाइज हाइस्ट पैकेज जो यहाँ गया है टेन एल पी एंड एवरेज सैलरी फोर लैक नाइन थाउजेंड एंड थ्री एटी सिक्स आप इन्वेस्ट कर रहे हो एट लैक एंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फॉर थ्री ईयर्स एंड इनकेस टिंग फोर टू फाइव और इवन सिक्स एलपीए का पैकेज गाइज इट्स वर्थ इट क्योंकि आप काम करने वाले उन टॉप न्यूज कंपनीज में सच एज द आदित्य बिरला ग्रुप इजी रिवार्ड्स अर्नस एंड यंग्स दालमिया भारत के पी एमजी मैरिको एंजल वन ए एस बी एल एल एन टी ट्रेस विस्टा वर्लपूल न्यू जैन ग्रेट गाइज ग्रेट सो वन आर टारगेट इड लेट स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द एंड पैट पूरा फोकस एनपैड पे करना है गाइस अपना 100 परसेंट देना है एंड फॉर इट्स प्रिपरेशन डोंट वरी एट ऑल यू कैन जॉइन अस एट डोंबिवली घाट को परन्न दाद फॉर ऑफलाइन लेक्चर्स एंड इफ यू आर पैन इंडिया स्टूडेंट यू कैन इंटरेक्ट लाइव विथ अस कॉल ऑन एट डोंट फर टू डाउनलोड अव एप वेर यू विल गेट फ्री मॉक एंड फ्री रिसोर्सेज एंड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन फॉलो अस ऑन यूट्यूब फेसबुक इंस्टा एंड टेलीग्राम दैट्स ऑल गाइज ऑल द बेस्ट फॉर करियर सी द नेक्स्ट वीडियो